विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच का विवाद क्रिकेट के गलियारों में छाया हुआ है। साउथ अफ्रीका के दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बीसीसीआई के साथ उनके मतभेद सबके सामने खुल गए। कोहली ने बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि विराट टी20 कप्तानी छोड़े। कोहली की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीसीसीआई की कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं, साथ ही गांगुली पर गलत बयानबाजी के भी आरोप लग रहे हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब कोहली ने टी20 कप्तानी छोड़ने के फैसले को लेकर बीसीसीआई से मीटिंग की थी, उस वक्त 9 लोग मौजूद थे। यह मीटिंग आईपीएल 2020 के दूसरे हाफ में यूएई में हुई थी। हालांकि तब यह तय नहीं था कि कोहली टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी छोड़ देंगे, इसलिए जब कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह कदम उठाया तो वह बोर्ड के लिए काफी चौंकाने वाला था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सौरभ गांगुली अपने इन 9 गवाहों से मीडिया के सामने आने की अपील कर रहे हैं। आईएन ब्यूरो।